और उसी का आप देख रहे हैं नतीजा कि लोगों के बच्चे बच्चे की जबान पर है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी हैं, जिनका स्वागत सरकार इस वक्त कांग्रेसी कर रहे हैं। और साफ तौर पर शैलजा जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन देख पा रही हैं? परिवर्तन क्या, हमारा काम हो रहा है। 4.5 साल हो गए, हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है और उसी का आप देख रहे हैं नतीजा कि लोगों के बच्चे बच्चे की जबान पर है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी, कांग्रेस के उत्थान के लिए रणनीति क्या रहेगी? एक सवाल, अंतिम सवाल। हमारे वर्कर जमीन पर लोगों के बीच में घुलते मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारा कार्य है, हमारे लाभार्थी हैं, सही लोगों को सही स्कीम पहुंचे, लोगों के बीच में बैठकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यह शैलजा जी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस की जो नीति रणनीति है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी और प्रदेश प्रभारी हैं और काफ़ी सारी ढेर सारी योजनाएँ और क्रियान्वयन किया जा रहा है उनकी ओर से, पार्टी को संगठित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं और इस तरह के आयोजन अब लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट लाते रहेंगे और जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार इसी तरह से एग्रेसिव मोड पर दिख रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त देने की एक कवायद या कोशिश की जा रही है। आज छत्तीसगढ़ का मॉडल जो हम सबको दिखा रहे हैं, ये सच्चे मायने में जमीन पर कार्य हुआ है। 4.5 साल से हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही, आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। हम ये भरोसे का सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन ये भरोसा पैदा कैसे हुआ है? ये काम ने पैदा किया है, मेहनत ने पैदा किया है। और बघेल जी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपकी मेहनत आज जहां पर हम खड़े हैं, आपका गांव बिल्कुल पास में है। क्या बचपन में आपने कभी सोचा था कि जब आपको गांव में चाय का प्याला नहीं मिलता था दुकान पर, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं खुद करोड़ों लोगों को सक्षम करूंगा कि वो खुद ऐसी आधुनिक दुनिया में चाय, अब चाय की बातें तो और नेता, बहुत बड़े बड़े नेता करते हैं उस बात पर नहीं, लेकिन सच्चे मायने में यहाँ पर साकार करके, यहाँ के धरती के बेटे ने, किसान के बेटे ने यहाँ साकार करके दिखाया। साथियों, आज जो हमारा किसान यहाँ पर खुशहाल है, 20 क्विंटल धान की बात की, सबसे बढ़िया कीमत और 20 क्विंटल की खरीद, पूरे देश में हम चुनौती से कह सकते हैं कि ऐसी खुशहाली और कहीं नहीं आई। हमारे जो ऋण माफ किए, जो कहा वो करके दिखाया, गरीब इंसान को ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, उन्हें न्याय मिला है, न्याय देकर दिखाया कि कोरे भाषण नहीं हुए। तो साथियों, 4.5 साल बीते, हमने एक छोटा सा सफर तय किया। पिछली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने 15 साल दिए, किस कदर हमारा प्रदेश पिछड़ गया। छत्तीसगढ़ जिसे बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, बच्चों की, लोगों की, महिलाओं के चेहरे की मुस्कुराहट ही आप लोगों ने छीन ली। आज दोबारा से ऐसा मौका आया, 4.5 साल से कार्य हो रहा, चंद महीनों में फिर से चुनाव आएगा और हम चुनौती देकर कह सकते हैं, कहां उन्होंने 15 साल यहां पर राज किया और यहां पर हमारे ये 5 साल की सरकार ने जो कार्य करके दिखाया है, साथियों हम इनको चुनौती देकर कह सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं, कहीं कोई यात्रा निकालने की बात करते हैं, कभी कुछ बचाने की बात करते हैं,
कांग्रेस को हटाने की बात ये लोग करेंगे? कांग्रेस लोगों के दिल में है।